नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर नगर के समस्त मतदान केंद्रों पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत समस्त बीएलओ ने मतदाताओं के वोट बनाए। चुनाव आयोग की ओर से दिनांक 25 नवंबर को विशेष बूथों का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त मतदान केंद्रों की भाग संख्याओं के बीएलओ द्वारा अपने अपने बूथ पर उपस्थित होकर फॉर्म नंबर 6 और 7 व 8 भराए गए। इस अवसर पर नायब तहसीलदार डॉक्टर अजय कुमार ने मीरापुर के श्री सुखन लाल आदर्श कन्या इंटर कॉलेज नगर पंचायत मीरापुर प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 व प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 और अन्य समस्त बूथों का निरीक्षण कर बीएलओ द्वारा भरे गए फॉर्म की जांच की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर सुपरवाइजर मोहम्मद आरिफ, मनोज सिंह, बीएलओ कविता रानी, राजेश कुमारी, सुभाष सिंह, एजाज अली आदि मौजूद रहे। ये चुनाव आयोग द्वारा जो है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदाता पुनरीक्षण आज का ये अभियान चला है और इसमें चुनाव आयोग की ख्वाहिश ये है कि कोई भी मतदाता हमारा बगैर वोटर लिस्ट में आए हुए उसका नाम न रह जाए। उसके लिए आज का ये संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारे नगर मीरापुर के जो है सभी बूथों पर जो है वी एल लोग अपना वोट कर रहे हैं। कितने कितने आयु के बनते हैं वोट? 18 से 19 साल तक के आयु के मतदाताओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है कि 18 से 19 वर्ष का कोई भी मतदाता बिना वोट बने न रहे। श्री रामलीला पब्लिक स्कूल में कितने वोट वो हैं जो बीएलओ हैं? रामलीला भवन में 4 बीएलओ हैं फिलहाल, जो चारों के चारों वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आज विशेष अभियान दिवस के तहत सभी बीएलओ द्वारा अपने बूथों पर बैठकर नए मतदाताओं की वोट बनाए जा रही हैं। जैसे 3 तरह के फार्मर रहते हैं, फॉर्म 6, 7 और 8। फॉर्म 6 का मतलब नया मतदाता बनाना, 7 मृतक का नाम काटना या शिफ्टेड हो जाना, 8 में कोई संशोधन करना है। और प्रत्येक बीएलओ अपने बूथ पर बैठकर कार्य कर रहा है, फिर द्वारा सभी बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। सर, ये अभियान कब शुरू हुआ था और कब तक चलेगा सर? ये विशेष अभियान 27 अक्टूबर से चालू होकर 9 दिसंबर तक चलेगा। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।